हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं रिवॉल्ट मोटर, जो कि नोएडा सेक्टर 63 में है, नियर इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन। चलिए देखते हैं इनके पास क्या क्या मॉडल्स हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है रिवॉल्ट में, और क्या कुछ ऑफर चल रहा है, क्या प्राइजेस है, और बाइक के बारे में बताइए। उससे पहले आपका नाम? मेरा नाम नवीन है सर। नवीन, वेलकम। ओके नवीन, बताइए क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास। देखिए सर, हमारे पास अभी रिवॉल्ट RB 400 में सिंगल मॉडल रिवॉल्ट RB 400 है। ओके, ठीक है। अब इसमें अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ तो इसमें दो मॉडल्स आती थी, रिवॉल्ट RB 300 और 400 दो मॉडल है। ओके, एक 300 आती थी पहले। हाँ, ओके, उसमें डिस्कंटिन्यू कर दी। जो 300 मॉडल है वो अभी डिस्कंटिन्यू है, वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके, अभी आपको जो अवेलेबल है वो सिर्फ RB 400 है। ओके, ये अभी आपकी वेटिंग पे अवेलेबल होगी, जैसे कि अगर बुक कराते हैं तो 2 से 3 महीने की अभी वेटिंग है। वेटिंग जो है हमारे स्टोर पे, नोएडा स्टोर पे सबसे कम वेटिंग है। इतनी वेटिंग नहीं रहती थी, अभी गाड़ियों की सप्लाई कम होने की वजह से अभी इसमें वेटिंग चल रही है। ओके, तो ये मॉडल है आपका RB 400। ओके, ठीक है, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका टायर से स्टार्ट करते हैं। टायर जो है अलॉय व्हील के साथ आपका टायर है, बोथ साइड अलॉय व्हील, एंड आपका जो टायर है MRF का ट्यूबलेस टायर है, जो भी दोनों आपका साइज अलग अलग रहता है। पीछे का आपका 120 mm का है, आगे का आपका 90 mm का टायर के साथ आता है। 90 सेक्शन का टायर मिल जाएगा आपको, और ये प्लस पॉइंट है USB फोक के साथ आता है। जी जी, ओके, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो इसमें जो आपका प्रोजेक्टर यूज किया गया है, ये आपका LED प्रोजेक्टर है, जो कि आपका अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ लाइट वगैरह में, तो आपका ये देखिए, ऑन करके दिखाता हूँ। ये आपका जो प्रोजेक्टर है इतनी अच्छी है। ओके, जैसे नाइट कंडीशन में आपका ये इसका DRL साइड में और ये इसका प्रोजेक्टर के साथ है। देखिए, ओके, तो मेरे ख्याल से नाइट में इसका व्यू बहुत ही थ्रो बहुत अच्छा है। इसका इतना अच्छा है कि नॉर्मल बाइक के कंपैरेटिवली आपका 3 times मोर इसका फोकस है। ओके, इतनी ज्यादा अच्छी है। अगर हम मीटर पे जाते हैं तो आप मीटर को एक बार दिखाते हैं। हाँ, जैसे इसका मीटर चेक। हाँ जी, देखिए मीटर में आपका क्लियरली आपका ऑटो ब्राइटनेस के साथ आपका मीटर आता है। इसमें आपका बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका बैटरी यहाँ पे शो हो रहा है, इतनी बैटरी पे इतने किलोमीटर चलेगी यहाँ पे शो हो रहा है। रेंज आपका, ये आपका किलोमीटर कितनी चल गई है ये आपका शो हो रहा है। आपका यहाँ 3 मोड दिया गया है, इकोनॉमिकल, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड, जो कि आपका डिस्प्ले में यहाँ पे शो होता है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। उसके हिसाब से इसका रेंज भी बढ़ता है, रेंज भी बढ़ता है और घटता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इको पे आपका 32 पे 44 है। ओके, तो आपका नॉर्मल पे 32 पे 28 है, ऐसे ही स्पोर्ट पे आपका 32 पे 22 है, 22 किलोमीटर चलेगा। ओके, ठीक है। तो अगर हम इसको 100% में पूछे तो क्या इसका रेंज रहेगा? देखिए सर, अगर 100% रेंज के मैं बात करूँ तो आपका इकोनॉमिकल मोड में 40-45 का टॉप स्पीड रहेगा, 140-150 किलोमीटर आपका रेंज है। ओके, नॉर्मल मोड पे आपका 60-65 का आपका टॉप स्पीड है, उसमें आपका 100 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है आपको। स्पोर्ट मोड में आपका 85 टॉप स्पीड रहता है, उसमें आपको 70-80 किलोमीटर रेंज रहता है। 70-80। ओके, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं कंपनी से? उसके अलावा अगर और फीचर हम इसी की पहले बात करते हैं, इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये अपर डिपर बटन है, इंडिकेटर बहुत क्लियरली आपका इसमें कंफर्टेबल इंडिकेटर है। देखिए, इसका LED के साथ इंडिकेटर आता है, प्यारा छोटे मेरा। ओके, गुड, ठीक है। हॉर्न सेम एज सेम पेट्रोल बाइक जैसी है। उसके अलावा इसमें कंपनी आपको आर्टिफिशियल एडजस्ट का सिस्टम देती है, जो कि फॉर फील एंड सेफ्टी पर्पस के लिए साउंड होता है। आप ये देख सकते हैं इसमें जो साउंड है, जैसे सुन सकते हैं आप इसे एक्टिवेट डिसएक्टिवेट दोनों कर सकते हैं। ये आपके हाथों में ही रहता है, जैसे नॉर्मल बाइक में सेल्फ का बटन रहता है। ये आपका किल स्विच है, अगर आप ट्रैफिक पे कहीं पे अगर 2 मिनट के लिए खड़े हैं तो आप किल करके रख सकते हैं। इससे ये है कि गलती से अगर कोई भी कर देता है तो आगे नहीं जाएगी, ठीक ही रहता है। अब मैं अगर बॉडी पार्ट की बात करूँ तो सर, बाइक में आपका ये जो मैनुअल की दिया गया है, मैनुअल की ओनली आपका हैंडल लॉक एंड बूट स्पेस ओपन के लिए रहता है, सीट ओपन एंड बूट स्पेस के लिए, एंड बैटरी लॉक अनलॉक। अच्छा, इसमें जैसे कि एक पुश स्टार्ट स्विच भी दिया गया है। देखिए सर, जो बाइक है ये फुल्ली कीलेस है, रिमोट ऑपरेटिव बाइक है, रिमोट से ही आपका लॉक अनलॉक स्टार्ट सब रिमोट से होता है। जैसे आप यहाँ से लॉक कर देते हैं, देन आफ्टर अनलॉक आप पुश स्टार्ट कर सकते हैं पावर बटन से। पावर बटन से आप इसे ऑफ तो कर सकते हैं, पर अभी ये लॉक नहीं हुआ है। हाँ, okay. तो लॉक करने के लिए आपको फिर से रिमोट से लॉक करना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो मैनुअल की है, मैनुअल की से आपका हैंडल लॉक होता है, ठीक है। उसके अलावा सीट खोलने के लिए, ये बूट स्पेस के लिए, ये बूट स्पेस है,
जहाँ पे आप अपना नॉर्मली डॉक्यूमेंट फोन पर फोन वगैरह छोटे मोटे आइटम आपके इधर आ सकते हैं। उसके अलावा ये आपका बैटरी है, लिथियम आयन डिटैचेबल बैटरी है जो आप डिटैच करके जैसे फ्रेंड देख सकते हैं, ये इसका लिथियम आयन जो कि 72 वोल्ट में आता है, 45 एएच के साथ आता है और इसका जो 3.24 किलोवाट की बैटरी है। इसका मेन अभी ये कि ये जो मैन्युफैक्चरर है ये आपका इंडियन है, मेड इन इंडिया आ रहा है, पहले मेड इन चाइना आ रहा था, अभी टोटली रिवोल्ट में बहुत सारी चीजें इसमें इम्प्रूव किया है। अब इसमें जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं मोस्टली आपको मेड इन इंडिया देखने को मिलता है, इवन चार्जर भी, ठीक है। उसके अलावा ये जो बैटरी है डिटैचेबल रहता है, आप इसे सेपरेटली निकाल के अगर आप फ्लोर्स में रहते हैं तो आप फ्लोर्स में अपने लिफ्ट में कैरी करके ले जाके आप सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसे निकाल के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे एमसीबी है, एमसीबी जैसा नॉर्मल एमसीबी दिया हुआ, एमसीबी को ऑफ करना है, ऑफ करना है, देन इसको आपको ये डिटैच करना है, अटैच करके यहाँ पे आपको अच्छा इसका सेपरेट एक लॉक भी दिया है, ये अच्छा है, मतलब ये आपकी सिक्योरिटी पर्पस में, मतलब कोई बैटरी आपको इजीली रिमूव ना कर सके, ओके इजीली ये आपका रिमूव। अच्छा इसकी वेट के बारे में बात करें तो कितना इसका लगभग 21 केजी ओनली इसका वेट है, जो कि इजी टू कैरी है, इतना ज्यादा वेट लगता नहीं है जितना हम सुनने में लगता है, ठीक है। उसके अलावा इजी है सर, कोई भी निकाल सकता है नॉर्मली इसको, फिर अगेन वैसे आप नॉर्मली आपको रिकैप करना है, ठीक है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर में आप कहीं रहते हैं तो इजीली आप यहीं से बाहर प्लग एंड प्ले दिया हुआ है इजीली, ओके ठीक है। अब इसके पीछे स्पेसिफिकेशन थोड़ा है, अगर पीछे की बात करें तो देखिए सर आपका यहाँ पे जो टेल लाइट है नॉर्मल एज सेम एज पेट्रोल बाइक, उसके अलावा यहाँ पे जो आपका नंबर प्लेट लगती है उसके लिए अलग से कंपनी आपको नंबर प्लेट लैंप लगा के देती है, इसका लाइट भी दिखाया जाए, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। देखिए इसका जो डीआर लैंप बहुत ही बेटर टेल लैंप है और ये इसका फीचर लैंप दिया हुआ है जो कि नंबर प्लेट के लिए, ओके। उसके अलावा आप इस साइड से अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका इसमें जो शॉकर है एडजस्टेबल मोनोशॉक है, ठीक है। ये जो शॉकर के स्पेसिफिकेशन रहता है नॉर्मल बाइक्स में जो इसका वीक क्वालिटी रहता है वो ये रहता है कि अगर ऊपर से ज्यादा आप ओवरवेट करते हैं, जैसे कि 2% सेटिंग अगर करते हैं तो नीचे आपका ये टच होता है, टच हो जाए तो इस शॉकर के साथ वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे भी आपका अगर ऑफ रोडिंग भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो ऐसे बहुत अच्छा खासा इसमें गैप दिया गया है। और सेकंड इसका प्लस पॉइंट है इसमें बेल्ट ड्राइव के साथ आता है, इसमें बेल्ट ड्राइव है आपका इलेक्ट्रिक ईवी में दो ड्राइव आती है, एक बेल्ट ड्राइव और एक आती है व्हील ड्राइव, व्हील ड्राइव हब मोटर के साथ जो आती है वो अभी मार्केट में इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना बेल्ट ड्राइव है। बेल्ट ड्राइव आपका बेसिकली बेल्ट का जो ड्यूरेबिलिटी होता है चेन के अकॉर्डिंग 3 times ज्यादा होती है, ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ चेन का तो मार्केट में जो भी आपका पेट्रोल बाइक रहता है उसमें अगर आप पेट्रोल का बाइक लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं देती है कोई भी कंपनी चेन की टूटने की वारंटी, ठीक है। पर रिवोल्ट आपको देती है 30,000 किलोमीटर और 3 साल तक की टूटने की वारंटी इसमें आपको, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपका फुटरेस्ट है ये एडजस्टेबल फुटरेस्ट है, अगर आप इसे चाहे तो इसे आप आगे भी कर ओके अपने अकॉर्डिंग जिसको जैसे कंफर्टेबल हो इसको ये आगे भी हो जाएगा, ओके। ये आपका इसका साइड स्टैंड हो गया, ओके। और अब मैं अगर इसमें बात करूं कि आपका एंटी थेफ्ट क्या क्या है, एंटी थेफ्ट के लिए देखिए कोई भी बाइक अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो फोर व्हीलर ले रहे हो तो उसमें मेनली जो हम देखते हैं वो आपका सिक्योरिटी देखते हैं कि सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने क्या क्या दिया हुआ है। आपको अगर मैं बात करूं तो आपका साइड से आपका हैंडल लॉक होता है जैसे कि आपका एवेंजर और बुलेट बड़ी बड़ी हैवी बाइक्स में होती है, उसके अलावा इसमें अगर आप लॉक कर देते हैं बाइक को नॉर्मल बाइक में व्हील लॉक लगाते हैं साइड से, व्हील लॉक अगर साइड से लगा रहे हैं तो आपका जो है वो सेफ्टी माना जाता है, पर वो इतना ज्यादा सेफ्टी नहीं रहता जितना इसमें कंपनी ने दिया हुआ है। वो ये है कि आपका इसमें एंटी थेफ्ट दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपका अगर लॉक कंडीशन में कोई भी बाइक को अगर टायर इधर उधर कर रहे हैं तो आपको 5 to 10 meters चलते ही लॉक कर देता है। उसके अलावा ये जो बाइक है सर इंडिया का फर्स्ट AI enabled बाइक है जिसके अंदर आपका AI फीचर है सर, कंपनी आपको AI फीचर दे रही है जिसमें आपका बाइक को फोन से कनेक्ट करके देते हैं हम लोग। उसमें क्या क्या होता है बेसिकली आपका GPS है, GPS आपका बाइक कहीं पे भी कोई भी लेके जा रहा हो आपका भाई बंधु अगर कोई भी लेके जा रहा हो तो आप घर पे बैठ के उनको इजीली ट्रैक कर सकते हैं किस जगह है, और आपका जो पूरा मीटर का स्टेटस है वो आपके फोन में रहेगा कि कितने किलोमीटर चल गई है कितना और चल सकती है एंड बाइक की क्या स्टेटस है। मतलब अगर किसी को फ्रेंड या किसी को भी बाहर दे रहे हैं तो आप इजीली घर बैठ के उसको ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, ओके। उसके अलावा आप मेनली आप सब कुछ तो हमने कवर कर लिया, वारंटी गारंटी पे जाते हैं। आपका जो बैटरी है लिथियम आयन टाइप है 3000 वाट का बैटरी है,
वो आपको पूरा वैसे फुल चार्ज हो जाती है। वारंटी की बात करें तो आपका ओनली 6 ईयर 1 लाख किलोमीटर आपकी वारंटी है अभी। 6 ईयर 1 लाख किलोमीटर विच एवर कम कर लिए जो भी पहले हो जाए, उसके अलावा जो बाइक की वारंटी है वो आपका 5 ईयर 75,000 किलोमीटर है, 5 साल 75,000 किलोमीटर। उसमें आपका बाइक की वारंटी में मोटर मीटर कंट्रोलर बटन और वायरिंग वगैरह जो है ये सब चीजें आपका कवर रहती है। अदरवाइज सर देखिए, अगर आप अंडर वारंटी भी अगर ओनली चला रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डबल उसमें से निकाल के आप यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट इसका रिव्यू था। और एक बार प्लीज आपका प्रॉपर लोकेशन बता दीजिए, जैसे नोएडा में आपका जो शोरूम है। लोकेशन देखिए, हमारा लोकेशन है आपका नोएडा सेक्टर 63 H224 ग्राउंड फ्लोर। ओके ठीक है, वो ऑन रोड की ऑन रोड जो प्राइस है उसके बारे में। ऑन रोड प्राइस देखिए, हम लोग यहाँ से नोएडा दिल्ली एंड यूपी में कहीं का भी रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं, तो हमारा जो यूपी का प्राइस है ओनली नोएडा एंड गाजियाबाद के लिए 155,500 है ऑन रोड, जो कि अभी दिसंबर में अभी जो ऑन रोड प्राइस चल रहा है। ओके, ये आगे जाके कभी भी जो भी बढ़ेगा या घटेगा वो एज पर वो एप्लीकेबल रहेगा जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी प्राइस रहेगा। तो इसका क्या बुकिंग अमाउंट क्या है? बुकिंग अमाउंट ओनली 999 इसका बुकिंग अमाउंट है। ठीक है, तो और वेटिंग पीरियड कैसा चल रहा है अभी? क्या है वेटिंग पीरियड सर? अभी आपको 3 मंथ का मान लीजिए, 3 मंथ आपका मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा भाई। ओके ठीक है, और अगर कोई कस्टमर आप किससे मतलब इसका ईएमआई करवाना चाहे फाइनेंस, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? ईएमआई ऑप्शंस आपका मिनिमम 30,000 आपका डाउन पेमेंट आप अगर पे करते हैं तो आप अपना 36 मंथ का मैक्सिमम आप अपना किस्त ईएमआई बना सकते हैं। थैंक यू। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।